बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पस क्या है और इसकी प्रिपरेशन का हम प्लान कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक एफपीएससी ने अनप्रिडिक्टिव एक्शन लिया है और जितने कैंडिडेट्स अभी रीसेंट एग्ज़ाम में पास हुए हैं उन सबको डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस में डाला है। तो कई सारे अजम्पशंस लोग बना रहे हैं, लेकिन इसकी अजम्पशन में ट्रुथ कुछ भी नहीं है कि पेपर आउट हुआ था, फलां हुआ था, फलां हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एफपीएससी का चेयरमैन चेंज हुआ है तो उसकी अपनी एक कमीशन के पास एक राइट होता है कि अगर वो एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। इनफैक्ट जितने अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से वो जितने बेहतर और जितने ज़्यादा अच्छे सूटेबल उनको चाहिए होते हैं उसके लिए वो स्क्रूटनी का जो भी प्रोसेस लगाते हैं, टेस्ट के किसी भी प्रोसेस में वो डालते हैं, वो कमीशन कर सकता है। तो पेपर आउट होना और ये एक नया टेस्ट है या टेस्ट प्लान चेंज हो गया, ये इस तरह की बातें, ये सारी की सारी अफवाहें हैं। मेन चीज़ है कि कमीशन के पास राइट है, भले वो आने वाले एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ना ले या फिर वो रूटीन बना ले कि जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो 100 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ होता है, उसके बाद वो आपका डायरेक्ट जो है इंटरव्यू की तरफ लेके चला जाए। तो लाजमी नहीं है कि आइंदा हर एग्ज़ाम का जो है टेस्ट का, जनरल रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट है उसमें स्क्रीनिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, और ना ही ये कि ज़रूरी है डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो इस चीज़ की डिस्कशन में कोई फ़ायदा नहीं है। जो जिनका स्क्रीनिंग क्लियर हो चुका है अब उनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अननेसेसरी डिस्कशन में पड़े रहें। कई सारी चीज़ें हैं, सीक्वेंस वाइज वन बाई वन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या है, क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं या आपने किस तरीके से इसको टैकल करना है, वो सारे के सारे हम इस सेशन में कवर करेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपने ये पूरे का पूरा जो लेक्चर है या जो सेशन है आपने इसको सुनना है। अगर आप अभी बिज़ी हैं तो जब आप फ्री होते हैं तब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से बताऊँ, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, टैकल कैसे करना है, अल्टीमेटली आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं या ये आपके लिए पॉजिटिव एज कैसे दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन कवर करते जाएंगे। इससे पहले कि हम मेन इसी टॉपिक की तरफ जाएँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रिपरेशन का प्लान है वो सारे का सारा ऑनलाइन होगा और थ्रू वेबसाइट होगा। वेबसाइट का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूँ कि ये हार्वर्ड अकेडमी के नाम से है, www.harwordacademy.com, harvardacademy.com। तो आप इस मेन पेज पे आ जाते हैं, तो मेन पेज पे ही मैंने बड़ी चीज़ें जो है इजी मोड में रखी हैं ताकि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, ताकि आपको जो है स्विचिंग या टॉगल ना करना पड़े बार बार। तो ये देखें, जैसा हमारा जो प्लान है, अगर न्यू यूज़र है तो वो रजिस्टर कैसे करेगा, ऑलरेडी है तो वो लॉगिन कैसे कर सकता है अगर लॉग आउट उसने ऑलरेडी किया हो। तो सीनियर एडिटर का जो हमारा पहला सेशन चल रहा है, ये हमारे लेक्चर हैं फर्स्ट के, ये कास्ट अकाउंटिंग का कोई लेक्चर देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेगा तो लेक्चर में चला जाएगा। ऑडिटिंग के हैं, प्रोफेशनल पार्ट के हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के हैं, इंग्लिश पोर्शन जो है हमारा, और उसके बाद क्विजेज़ हैं। क्विजेज़ के पोर्शन में हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, कास्ट अकाउंटिंग की क्विजेज़ हैं, इसके अलावा फिनेंशियल ऑडिटिंग की क्विजेज़ हैं, और प्रोफेशनल जो पार्ट है उसकी क्विजेज़ हैं, फिनेंशियल प्लानिंग की क्विजेज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो क्विजेज़ हैं ये सारे, और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं, बड़े टेस्ट जो पूरे सिलेबस में से कवर होते हैं, तो वो हैं। तो मतलब ये मैंने एक पूरे सेशन का आपको डिटेल बताया कि सीनियर ऑडिटर की हमने सेग्रीगेशन फर्दर कैसे की हुई है, बाई पार्ट कैसे किया हुआ है, और इसी तरीके से आगे चीज़ें जो हमने जो पार्ट आता है वो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA BPS 617, जो अभी नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, अभी लेटेस्ट एड में आया हुआ है, उसको हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एवरीडे साइंस होगा, पाकिस्तान अफेयर हैं, इस्लामिक स्टडी है, FIA एक्ट 1974 है, बेसिक अरिथमेटिक है, करंट अफेयर्स हैं, इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स हमारे इंग्लिश पार्ट के होंगे
वोकेबलरी पार्ट है, सिनोनिम एंटोनिम, इसके अलावा ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय पार्ट मिल जाएंगी जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो सेम जो हमारा जो मेन पर्पज़ है जिसके लिए ये मैं आपको कुछ आगाह करना चाह रहा था, FPSC डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के प्रिपरेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इंग्लिश वोकेबलरी एंड सिनोनिम एंटोनिम इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे। और इसका इनफैक्ट राइटिंग में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि सिनोनिम एंटोनिम आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन आपको पता है जब आप राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो जितनी आपकी अच्छी वोकेबलरी होगी, जितनी आपको ग्रिप होगी सिनोनिम एंटोनिम या वोकेबलरी के, जो जितना आपका मजमूआ अच्छा होगा उतनी ही आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, अच्छी स्किल अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं जो आपका रीडर है। इसके अलावा हम टेंसेज, प्रेसिव राइटिंग, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे पार्ट हैं, हम जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पार्ट ओपन हो जाएगा, उसके जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। तो ये हमारा जो है फोरम होगा, ऑनलाइन हम सारी की सारी करेंगे, और बड़ा कन्वीनियंट टाइम होगा जब आपके पास टाइम मिलता है, कोई जॉबियन है, जो हाउस वाइफ्स हैं, फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठे हुए जब आपको टाइम मिलता है आप उसको अवेल करें और तैयारी करें। और अकेडमीज़ के जो 20, 20, 30 और जो इतने बड़े बड़े थाउजेंड्स में वो फीस ले रहते हैं उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो अभी हम अपने मेन उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको साथ में बता दूँ, चलें इसको भी साथ में समझाऊँगा मैं आपको, लेकिन हम अपने पहले प्लान की तरफ चलते हैं। और साथ में मैं WhatsApp और Facebook का ग्रुप भी शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करें जो भी व्यू कर रहा है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो WhatsApp में मैं नोटिफिकेशन देता रहूंगा, Facebook के ग्रुप में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो आप लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट की तरफ आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसके मीनिंग क्या है और बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, डिस्क्राइब करना क्या होता है, किसी चीज़ को बयान करना, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है टू द पॉइंट, जब आप टारगेट करते हैं या किसी चीज़ पे एम लेते हैं, हिट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव होता है जिसको, और ये आपने ऑलरेडी स्क्रीनिंग टेस्ट में कवर कर चुके हैं। अब डिस्क्राइब की तरफ आप जा रहे हैं, बयानिया की तरफ जा रहे हैं, बयान करना किस चीज़ को बयान करना, सबसे पहले बात तो ये समझने वाली है कि बयान करना असल में जो आपकी स्किल है उसको बयान करना, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बयान करना, या जो आपके हालात हैं जिसको जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, अगर उसको आपको बयान करना पड़े तो आपके अंदर कितनी स्किल है। तो इस स्किल को जज करने के लिए, देखने के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पहले जो होता था ये बड़ी बड़ी पोस्ट 19-20 के लिए होता था, अब 18 के लिए भी होता है। मकसद क्या है, ऐसी भी सूरत हाल हुई कि जनरल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से 18-19 स्केल के लोग भर्ती हुए जिनका सिर्फ और सिर्फ MCQs स्क्रीनिंग टाइप टेस्ट होता था, और जब वो अपने ब्रांच में जाते थे या जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में फंस के कोई डायरेक्टर है या किसी डिप्टी डायरेक्टर की सीट पे जाके बैठा है तो उसके अंदर उसके पास राइटिंग स्किल नहीं होती थी। तो FPSC ने फिर ये देखा कि राइटिंग स्किल के लोग ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आप मैनेजमेंट के लेवल पे बैठे होंगे उनका तो काम ही जो होता है लेटर राइटिंग होता है, तो अगर उनके पास राइटिंग पावर नहीं है तो उनका मकसद ही ख़त्म हो जाता है, वो तो बिल्कुल अपने काम से भागेंगे, और इसकी वजह से बड़ा काम जो ख़राब हो रहा था। तो FPSC ने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ लेके चले गए। अब सेम जो है, जब आपके पास इतने सारे लोग हों और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें आपको स्किल का पता नहीं चलता कि इस बंदे के पास कितनी स्किल है। अच्छा, तो FPSC अब क्या देखना चाह रहा है कि ये जो आप लोग जिन्होंने अप्लाई किया, ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, तो उनके अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव कैपेबिलिटी भी है कि नहीं। कहीं पे वो आप देखें कि जो 16-17 ग्रेड में जो बंदा रिक्रूट किया जाएगा वो डायरेक्टली किसी ऐसी अपॉइंटमेंट पे होगा कि उसको पूरे का पूरा एक ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, उसकी जितनी क्रॉस्पॉन्डेंस होती है, जितनी लेटर राइटिंग होती है वो टैकल करनी पड़ती है। अगर उसके पास राइटिंग स्किल नहीं है, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी पावर नहीं है, तो फिर वो कैसे टैकल करेगा। तो उसको ज़रा कवर अप करने के लिए FPSC ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा चीज़ आप पे लगा दी। तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव एज भी है, वो भी आगे चल के हम बात करेंगे कि पॉजिटिव आपके लिए कैसे है। तो मकसद ये है कि वो जो बैकग्राउंड में एक प्रॉब्लम आ रहा था, पहले तो 18 तक उन्होंने महदूद किया था, अब हो सकता है 17 पे और 16 पे, जैसे आप लोगों के टेस्ट के लिए अप्लाई किया, हर एक टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया जाए। और ये इतनी कोई हवा या बड़ी बला मुसीबत नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ी सी केयरफुल होने की ज़रूरत है जो इंग्लिश को जस्ट फॉर राइटिंग लिखते हैं। इंग्लिश सिर्फ राइटिंग चीज़ नहीं होती, बल्कि आप
कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपकी राइटिंग स्किल होती है। तो राइटिंग स्किल ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मकसद है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताया। तो प्रॉब्लम इन दी ऑफिस कैरियर, ये भी आपसे बात कर चुका हूँ कि पहले ऑफिसर जो थे उनको अपने कैरियर में क्या मसला आ रहा था, जब उनको किसी से बयान करना पड़ता था तो उनकी स्किल नहीं थी, और ऑफिस के जो मैनेजमेंट है उसमें उनकी राइटिंग स्किल ना होने की वजह से उनको कितने प्रॉब्लम आ रहे थे और ऑफिस में भी प्रॉब्लम थे। स्किल इन्हेंसमेंट है, ये एक स्किल देखी जा रही है आपकी। अभी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप लोग अपीयर होंगे तो आपकी तो टेस्ट ये स्किल देखी जाएगी, लेकिन आप इस स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? ये ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे दिया गया और आप ऐसे लिखना शुरू कर दें तो आपने सारी बात बड़ी बेहतरीन कर दी कि 2500 वर्ड्स का, 500 का, 700 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना पड़े, तो आप बस अल्फाज की गिनती के लिए दिस इज़ दैट फलां फलां आप लिखना शुरू कर दें, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। आपने एक बड़ी आर्टिकुलेशन करनी होती है, एक बड़ी महारत वाला काम होता है इस। ये असल में जो है, अगर ये एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हो सकती होती तो मुझे एक पूरा जो बैच या एक जो पूरा तैयारी का प्लान है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत ही न पड़ती, लेकिन ये एक पूरी ट्रेनिंग है ये, जिसको आप कवर अप करेंगे एक एक जो एरिया है उसको। मकसद क्या होता है आपका एरिया जो है, आपसे सवाल जब किया जाता है तो आप जवाब किस तरीके से लिखेंगे, तो क्या मतलब लिया जाएगा, तो ये सारी की सारी हम चीज़ें इसलिए वन बाई वन कवर भी करेंगे। और एरिया ऑफ जो टेस्ट है जिसमें से आपका ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो सकता है, ये तो FPSC की अपनी मर्जी है, लेकिन जो भी है मकसद सिंपल सा है कि आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें आपको किस हिसाब से देखेंगे वो हम वन बाई वन सारे लेक्चर्स, ये हमारे ऑलमोस्ट 50 to 60 लेक्चर्स बनेंगे। ये कोई छोटे कोई 5-10 लेक्चर में चीज़ें कवर नहीं होने वाली। आप लोगों के पास टाइम भी है और हम जो 21st से इंशाल्लाह ये जो हमारा क्लासेस इसकी वन बाई वन स्टार्ट होती जाएंगी और हम वन बाई वन इनके क्विजेज भी करते रहेंगे, और जहाँ पे आपके राइटिंग स्किल टेस्ट करने की ज़रूरत होगी तो भी हम उसको कंडक्ट करेंगे। वो मेरा एक मैकेनिज़म होगा, वो ऑनलाइन ही सारा कुछ होगा। आप अगर फर्स्ट किया, आपसे रिटन में टेस्ट लिया जाता है तो आप अगर कंप्यूटर पे लिख के तो वर्ड की फाइल आप मुझे भेजते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है अपना टेस्ट मुझे जो फॉरवर्ड करेंगे, वो जैसे भी होगा हम वो वक्त के साथ साथ फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें जो है पढ़ना भी है, उसको आपने अपनी स्किल को इन्हेंस भी करना है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन क्या होगी कि अगर आपने अभी अपनी स्किल बढ़ा ली तो आप जब आपके पास अपॉइंटमेंट होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। तो अब आपके पास टाइम है कि अपॉइंटमेंट लेने से पहले पहले जो आपको परेशानी उस वक्त होगी जब आप प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी स्किल को इन्हेंस करें। अब आप ट्रेनिंग सेशन अपने आप को समझें कि आप ट्रेनिंग में हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप जब अपीयर हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो एक वक्त ज़रूर आएगा जब आप इस पोस्ट पे नहीं भी होते तो किसी न किसी पोस्ट पे आप ज़रूर हो जाएंगे जब आप अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। तो कोशिश जारी करने वाले ही विन करेंगे, तो आपको जो इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपके फ्यूचर में जो कैरियर होगा उसमें आपको ये स्किल काम आएगी। तो इस स्किल को बड़े शौक से बढ़ाएं आप। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, मतलब ये कि इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सामने पड़ा होगा, तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जो आपके बोर्ड बनेगा, जितने उसके 3 या 4 जितने मेंबर्स होते हैं, वो आपकी इस स्किल को देख रहे होंगे। तो अब आपके पास टाइम है, जो आपका MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट था वो तो सिर्फ आपके नंबर शो रहे होंगे कि 100 में से 80 आपने ले लिए, 70 लिए, 60 लिए, जितने भी लिए, लेकिन अगर फर्स्ट के उसमें आप अच्छे स्कोर नहीं कर सके, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप पेपर अच्छा कंडक्ट किया है, तो वो सामने पड़ा होगा जो चेयरमैन होगा आपका, बोर्ड जो बनेगा इंटरव्यू कर रहा होगा, तो उसके सामने आपकी स्किल ज़ाहिर हो रही होगी, तो स्किल से आपका पता चलेगा। अगर लेट्स सपोज किसी ने MCQ पेपर अटैम्प्ट करते हुए सही टाइम नहीं लगाया था, उसने सही तैयारी नहीं की थी, तो अब उसके पास बेहतरीन मौका है वो अपनी जो स्किल है वो जो उस माइंड में रखें कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो जो आपका इंटरव्यू कर रहा होगा उसके पास आपका पेपर होगा, तो वो आपके पेपर से क्या इंप्रेशन लेगा, उस पेपर के इंप्रेशन को बेहतरीन करने के लिए आपने अभी अपनी स्किल को इन्हेंस करना है। तो ये मोटिवेशन के लिए भी आप समझ लें, या आपको कंसेप्चुअली एक जो है मैंने विजन जो दिया है ये भी आपके लिए काफ़ी है कि आपने तैयारी कैसे करनी है और किस शौक से करनी है। अच्छा, एरिया कौन सा हो सकता है और नेचर किस तरह की हो सकती है? टेस्ट आपकी राइटिंग की होगी, एक उसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे सिंपल नहीं होता। अब फर्ज किया मैं एक बात करता हूँ कि द कौ, उस पे आप एक मज़मून लिखें, तो एक बंदा है वो दिस इज़ काउ, दिस इज़ एनिमल, दिस इज़ फलां, दिस इज़ दैट, दिस इज़, तो आप इस तरह के भी अल्फाज से 1200, 1400, 500 जितने भी हैं रिक्वायर्ड अल्फाज पूरे कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा लिखता है कि ये एक जानवर है
और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका हमारी कम्युनिटी में क्या है, मुसलमानों का और हिंदुओं का आपस में इसका फ़र्क क्या है, हम एक गाय को किस तरीके से लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, और ओवरऑल गाय की नेचर किस तरह की है, इसके दूध से क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये एक निस्बतन स्किल्ड पर्सन जो है, एक कंसेप्चुअली स्ट्रांग बंदा जो है, वो थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा। तो बात वही होती है, कोई सिंपली बात कर देता है, कोई डेप्थ में जाकर बात करता है। तो इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मकसद ये है कि आपकी जो थिंकिंग है उसकी डेप्थ देखी जाए कि आप कितने हद तक विजनरी पर्सन है। इसके अलावा प्रेसिव राइटिंग है, प्रेसिव राइटिंग बड़ी एक स्किल्ड है, इस पे भी ठीक ठाक हमारा टाइम लगेगा। तो एक बड़ी चीज़ होती है, एक बड़ा मतलब कि एक कहानी हो अपनी पूरी ज़िंदगी की, आप लिखने बैठ जाएँ तो हो सकता है 10 किताबें लिखी जाएँ, लेकिन आपको समरी लिखना पड़े तो आप एक दो पेज में सारी की सारी बातें कैसे लिखेंगे, ये एक बड़ी महारत की बात है। तो इसके लिए आपके पास वोकेबलरी और जो है ना एक स्ट्रांग वर्डिंग और एक अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर में ठीक ठाक स्किल हो। तो हमने इंग्लिश ग्रामर के किसी हिस्से को इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी राइटिंग स्किल को वो इम्पैक्ट कर रही होगी। जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में, टेंस लिखने में, और जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव पैसिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स हैं, जितना आप उसमें स्किल्ड होंगे, जितने आप ग्रिप होगी अच्छी आपकी, उतना ही आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकेंगे। इसके अलावा कंप्रीहेंशन, एक चीज़ जो है मुश्किल चीज़, उसको पढ़ने के बाद आप उससे मतलब क्या लेते हैं। एक आपके पास लेटर आ जाता है, आपके पास आपका जो है बॉस वो आपको कहता है कि आप इसका देखें ये क्या लिखा हुआ है, तो आपके पास उसके सामने बैठे हुए 3 से 4 मिनट होते हैं, समटाइम टेक्निकल चीज़ें भी लिखी होती हैं, लेकिन आप उससे क्या चीज़ें कितनी जल्दी मीनिंग निकालते हैं, तो ये कंप्रीहेंशन स्किल में डेवलप किया जाता है। तो इनफैक्ट ये जो आपके सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम में भी यही चीज़ होती है। तो मैं जब माइंड में रख के आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो यही चीज़ रख के पढ़ाऊंगा कि लेट्स सपोज आप फ्यूचर में जाके सीएसएस करते हैं तो आपको दोबारा ये चीज़ें ना कवर करनी पड़ें। तो ये आप माइंड में एक अपॉर्चुनिटी रखें कि आप एक दफ़ा ये एक टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे टेस्ट की ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी साथ में हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर को हम पिन पॉइंट करेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ सेंटेंसेस देखें, एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए एक अल्फाज दे दिया जाए तो एक कोई सिंपल लायन की बात करें तो एक बंदा लिखेगा द लायन इज़ ऑन द रोड या लायन इज़ इन द जंगल, तो वो एक बात कह देता है। एक बंदा कहता है द लायन विंस एवरी वार एंड बिकम्स किंग आफ्टर स्ट्रगल, तो मतलब वो एक बंदा कहता है कि ये लायन जो है, एक उसने कहा कि शेर जंगल में होता है तो उसने सिंपल बात कर दी, जबकि दूसरा बंदा जो है वो एक अपना विजन देता है कि जो जंगल में शेर बादशाह बनता है तो एवं नहीं बन जाता, बल्कि स्ट्रगल से दूसरों के साथ फाइट करने के बाद अपने आप को साबित करता है और तब जाके वो शेर कहलाता है। तो मतलब वही है, अल्फाज वही हैं, लेकिन आपने मीनिंग में उसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि जो पढ़ने वाला है वो आपकी साइकोलॉजी के पढ़े और आपकी जो डीप थिंकिंग है उस पर उसको कॉन्फिडेंस हो कि ये बंदे के पास हुई है। इसके अलावा पैरा वर्ड में भी यही बात है, आपका नॉलेज भी देखा जाएगा, इसके अलावा आपकी क्या अपॉर्चुनिटी आप जो अवेल कैसे कर सकते हैं, मतलब आपका पास सिंपल अल्फाज आया तो आप उसकी अपनी जो है थिंकिंग कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो ये सारी है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे और आपका टॉपिक कोई भी करंट अफेयर भी उसमें शामिल हो सकते हैं, करंट अफेयर के साथ टच रहे हैं, मीडिया के साथ टच रहे हैं, और जो राइटिंग स्किल है उस पर हमने तवज्जो करनी है। और कोई भी टॉपिक होगा मैं आपको वो स्किल्स बताऊंगा कि आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो ये फलां फलां 8-7 जितने भी उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लें, अगर ये आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो एक सादा सी बात पे भी आप बेहतरीन लिख सकते हैं। तो मतलब इतना वो आर्टिकल लिखना ही मैं आपको सिखाऊंगा और जो सारी चीज़ें हैं वो भी हम अल्टीमेटली कवर तो करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि आपकी राइटिंग स्किल को इन्हेंस करना। पाकिस्तान अफेयर भी उसमें शामिल हो सकता है, जनरल नॉलेज का टॉपिक कोई हो सकता है, और इसके अलावा हम वोकेबलरी इज़ एन इंटीजरल पार्ट बट नॉट पार्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन आप कहीं पे भी जाएंगे तो वोकेबलरी बड़े मैटर करती है कि आपके टेस्ट का हिस्सा होती है। तो वोकेबलरी हम कैसे कवर करेंगे, ये मेरा एक पहले भी लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये देखें लेट्स सपोज ये लेसन नंबर 12 है, एक लफ्ज़ है पहला, तो उसके जो फर्दर हम चलते हैं तो ये देखें ये है कंटेंकरस वर्ड है और उसका आगे उर्दू में मीनिंग है और ये उसके सिनोनिम है, ये आगे उसका एंटोनिम है, और आगे चल के ये देखें एक जो पिक्चर से उसको शो किया गया, और उसके बाद इसको जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं कंटेंकरस वर्ड को तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ये सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वोकेबलरी को भी एक बड़े कम्प्रीहेंसिव वे से कवर करेंगे और ये भी आपको ऑलरेडी जो है आपके आने वाले किसी टाइम एग्ज़ाम में CSS या PMS या कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम होगा तो आपको बड़ी हेल्प देगा, और इस चीज़ को भी हम टाइम टू टाइम साथ में लेके चलेंगे और कवर करेंगे।
आगे चल के बात करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इनहेंस को स्किल को इन्हेंस करें सीएसएस में, ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में ये आपको स्किल काम आएगी। तो इस लिहाज से तो हमारा जो टोटल का टोटल सारा प्लान होगा, ये सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट हम कंडक्ट भी करेंगे, लेक्चर भी ऑनलाइन हमारे होंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस जो हमारा सेशन है इसका हिस्सा होने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाने का करवाना पड़ेगा। उसकी थोड़ी सी नॉमिनल कोई फ़ीस होगी, इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। तो आपको ये वेबसाइट का लिंक है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो, सवाल करना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन खत्म है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये जो एक टेंशन बनी हुई थी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मुसीबत क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर इस एंगल से थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी गो थ्रू हो जाएंगे। थैंक्स टू बी विद मी। अल्लाह हाफिज़।